जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सकारात्मक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लिखकर बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। शुल्क इसका लागू है दोस्तों, फीस है इसका। क्रोध से हम कैसे बच सकते हैं? क्रोध जो है हमारे जीवन में इस तरह की चीजें कर जाता है जिसके बारे में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि क्रोध में आने के बाद आवेश में हम कुछ बात कह देते हैं, उस विषय को लेकर क्रोध के बाद हमें बहुत सारी परेशानियां, हमें स्वतः ही मन में ग्लानि फील होती, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी को भी कुछ अभद्रता कह दे। व्यक्ति परेशान और हताश हो जाता है और एकदम झल्ला जाता है, तब उसके मूड, क्योंकि जब उसके मस्तिष्क पे चीजों का कंट्रोल नहीं होगा तो वो कुछ भी बात कह देता है। तो सबसे पहली बात कि क्रोध या आवेश में आई गई बातों का अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना था, इस चीज की चीजें नहीं करना था, ये अच्छी बात है कि आपको पश्चाताप है, बहुत बड़ी बात। लेकिन उस चीज के लिए खुद को माफ करना पहली बात है कि आप सीख जाए, क्योंकि वो चीज जो है आप खुद को जब तक स्वयं माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज खुद को ग्लानी लगती है। जैसे क्रोध आया, क्रोध आने के बाद आपने कह तो दिया, आपके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, रियलिटी तो यही है, लेकिन इसके बाद आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ग्लानी फील कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और खुद उसके लेकर ग्लानी होता है। और ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। 2 दिन में फिर क्रोध आ गया, 3 दिन में फिर आ गया, और ये जो इस तरह से चीजें जो है वो जमती जाती है, और इस तरह से जो क्रोध है वो बढ़ता 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 जाता है। इस बार कई बार दिमाग में टेंशन, तनाव और कई सारी चीजें व्यक्ति को, और अच्छे संबंध जो है वो खराब कर लेता है, जो सीधी सी बात है। तो पहली बात है कि जब भी किसी पर क्रोध आए या कुछ बात हो जाए तो माफी मांगकर चीजों को शॉर्ट आउट करने की एक आदत डाल ले, क्योंकि अगर आप माफी मांगने का एक तरीका आपके पास आ जाएगा तो स्वतः ही क्रोध आपसे खत्म हो जाएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आप माफी मांगना चालू कर देंगे तो जो हमारे अंदर क्रोध का सीधा सा मतलब है अहंकार, हमारे ईगो को टच करने वाली बात है, ऐसा क्यों क्यों तो क्यों। और अगर हम झुक कर माफी मांगने का एक प्रयत्न शुरू कर देंगे, चाहे गलत सही अलग विषय है, क्योंकि व्यक्ति के संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना था, मैं माफी चाहता हूँ, बात खत्म। तो इस तरह से हमें खुद को जो हमारे क्रोध है, जो एक भाव है हमारा, उसे जब पिंच होगा रेगुलरली, जब हम माफी मांगते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर जो क्रोध आपको आने की टेंडेंसी है या क्रोध आ जाता है, उससे आप बाहर आ जाओगे। सबसे आसान तरीका यही है कि क्षमा, माफी मांगना क्रोध को कम करना सबसे बड़ी, मतलब माफी मांगने से क्रोध जो है वो स्वतः ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास माफी मांगने का हथियार रहेगा, और माफी से हम खुद को माफ कर रहे हैं, न कि किसी अन्य से माफी मांग रहे हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।